नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन बंसल और आज मैं लेकर आया हूं एक नया वीडियो जो कि एक एनएफओ को रिव्यू करेगा, जिसका नाम है टाटा क्रिस्टल आईवीएक्स गिल्ट इंडेक्स अप्रैल 2026 इंडेक्स फंड। ये इसका एक मार्केटिंग मटेरियल है, टाटा क्रिस्टल आईवीएक्स गिल्ट इंडेक्स जो कि नाम है इसका अप्रैल 2026 इंडेक्स फंड। एनएफओ ओपन 23 सितंबर 2022, एनएफओ क्लोजेस 28 सितंबर 2022। मॉडरेट रिस्क बताते हैं ये लोग और सूटेबल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि इनकम ओवर द टारगेट मैच्योरिटी पीरियड चाहते हैं। स्कीम हाइलाइट्स है, इट्स एन ओपन एंडेड फंड। एनएफओ ओपन 23 सितंबर 2022 एंड क्लोजेज ऑन 28 सितंबर 2022। सो एक मेजर हाईलाइट इसमें यह है कि हाई इंटरेस्ट रेट रिस्क रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन जो है वो मार्केट को फॉलो करेंगी, लेकिन लोअर क्रेडिट रिस्क रहेगा इसमें, क्योंकि क्रेडिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की बहुत हाई रहेगी। इसमें 100% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रहने वाला है। मैच्योरिटी डेट 30 सितंबर 2026 रहेगी। इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलने के कारण इसमें थोड़ा सा फायदा रहेगा, और दूसरी बात यह भी कि टैक्स रेट भी इस तरह के फंड में कम है, 20% है। तो अगर आप 30% वाले स्लैब में हैं तो आपको आपके ऊपर जो टैक्स रहेगा इस इनकम के ऊपर वो 20% रहेगा, और इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम बता चुके हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिक्विडिटी बहुत हाई रहेगी इस फंड में। एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है तो इसका फायदा क्या है? इट रिड्यूसेस द क्रेडिट रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स, तो उसमें बहुत ज्यादा डाउटफुल रहने की जरूरत नहीं है हम कि भाई हमारा पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होते हैं जब आपकी गवर्नमेंट्स भी डिफॉल्ट कर जाती है, तो हम दैट वेज क्रेडिट रिस्क बहुत कम है यहाँ, लिक्विडिटी बहुत हाई रहेगी, और क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो लो बिड आस्क स्प्रेड रहेगा। बेसिकली इससे क्या रहेगा कि मार्केट फ्लक्चुएट नहीं करेगी, बहुत ज्यादा रेट में फ्लक्चुएशन नहीं होगा उसका, ऑलवेज ये मार्क टू मार्केट रहेगा, और लोअर कॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन एंड फंड रीबैलेंसिंग। तो यदि फंड मैनेजर अपने फंड को रीबैलेंस करना चाहते हैं मिड ऑफ द ईयर, तो उसमें लिक्विडेशन कॉस्ट बहुत कम रहेगी या नहीं रहेगी। प्रोबेबल इंक्लूजन इन गवर्नमेंट इंडिसेस में लीड टू इंक्रीजिंग डिमांड। फिर जो ग्लोबल इंडिसेस हैं जैसे कि नेस्डेक है, S&P 500 है, निकी है, FTSE है और डैक्स है, इनमें यदि इन इस फंड की लिस्टिंग हो जाती है तो लिक्विडिटी और बढ़ जाएगी। फिर एक एग्जांपल दिया गया है जो इस एनएफओ के ही मार्केटिंग मटेरियल में से उठाया गया है। इसमें इन्होंने बताया है कि यदि ट्रेडिशनल, एक एग्जांपल लिया है कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाता है ट्रेडिशनल सेविंग में और टारगेट मैच्योरिटी में, तो ऐसा माना जा रहा है कि हम मान के चल रहे हैं कि आपको रिटर्न 7% रहेगी इसमें टारगेट मैच्योरिटी में, और ट्रेडिशनल सेविंग में आज के हिसाब से 5.6% रहेगी। ये कोई गारंटी नहीं है, ये एक अजम्पशन ली गई है कि हमारी टारगेट मैच्योरिटी में रिटर्न ज़्यादा आ सकती है, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। तो इसमें यदि देखा जाए, टैक्स का इम्पैक्ट लिया जाए, तो यहाँ पे 30% वाले स्लैब में आता है अगर इन्वेस्टर, तो 30% आपको टैक्स लगेगा, और लेकिन यहाँ पे आपको 20% ही लगेगा। फिर सरचार्ज आपका 37% हो जाता है, यहाँ सरचार्ज आपका रहेगा कुल 15%। एजुकेशन सेम रहेगा। इफेक्टिव टैक्स रेट यहाँ पे 42.74 आ जाता है ट्रेडिशनल में, टारगेट मैच्योरिटी में 23.92। तो यदि टैक्स काटने के बाद रिटर्न, इफेक्टिव टैक्स रिटर्न देखा जाए, तो 3.32 पोस्ट टैक्स रिटर्न आ रही है ट्रेडिशनल में, और टारगेट मैच्योरिटी में 6.53% रहेगी। तो यहाँ पे इस एग्जांपल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि टैक्स सेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा, और यदि रिटर्न आपकी ज़्यादा रहती है ट्रेडिशनल से, जिसके चांसेस है, तो आपको इफेक्टिव बेनिफिट है या इफेक्टिव रिटर्न है वो अच्छी खासी हो सकती है। थैंक यू दोस्तों।